वेलकम टू अद्दू एंड ममा फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का। ये होटल्स का फेमस स्टार्टर है और सभी इसे पसंद करते हैं। इसे हम घर में आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम बेसन को भून लेंगे, इसे हम खुशबू आने तक भून लेंगे। और फिर हम एक बाउल में दही लेंगे, दही गाढ़ी होनी चाहिए ऐसे। और इसमें हमने डाला है नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, चाट मसाला, नींबू का रस, और काली मिर्च का पाउडर। और इसमें हमने ये बेसन डाला है और इसमें हम थोड़े से तेल को गरम करके डालेंगे। मैंने ये सरसों का तेल लिया है, इससे इसमें अचार जैसी टेस्ट आएगी। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप कोई भी तेल गरम करके डाल सकते हैं। इसका आप टेस्ट देखिए, अगर नमक या खट्टा या फिर तीखा कम है तो आप डाल सकते हैं। फिर हमने इसमें पनीर, शिमला मिर्च और प्याज बड़े टुकड़ों में काट कर डालेंगे और फिर हम इसे ढककर 15-20 मिनट के लिए रखेंगे मैरिनेट करके। 15-20 मिनट बाद हम इसके स्टार्टर्स बनाएंगे। मेरे पास ये बैम्बू स्टिक्स है। अगर आपके पास ये बैम्बू स्टिक्स नहीं है तो भी आप इसे बना सकते हैं। पहले मैं ऐसे बना के दिखाती हूँ। इसमें आपने एक प्याज, एक पनीर का टुकड़ा और एक शिमला मिर्च का टुकड़ा डालेंगे। ऐसे आप कितने भी बना के रख सकते हैं। यहाँ पर हमने तेल को गर्म होने के लिए रखा था पैन में। फिर हम इसको ऐसे रोस्ट करेंगे। गैस आप तेज आंच पर रखिए क्योंकि हमें इसको ऊपर ऊपर से रोस्ट करना है, नहीं तो पनीर कड़क हो जाएंगे। अगर आपके पास स्टिक्स नहीं है तो आप ऐसे फैलाकर इसमें डाल सकते हैं और फिर उसको पलटकर पका सकते हैं। तो ऐसे हमने ये इजीली स्टार्टर बना दिया है। फ्रेंड्स, पहले मैंने ये सोया चंक की रेसिपी भी डाली थी। ये भी स्टार्टर बहुत अच्छा बनता है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देती हूँ। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए।